आप में से शायद कुछ लोगों को सामने जो स्क्रीन है ये देख के शायद आप में से कईयों को कुछ आराम मिल रहा होगा कि कुछ अलग आया, क्योंकि पिछले 6 हफ्तों से आप स्क्रीन पे एक ही स्क्रीन आप देख रहे थे सरमन के शुरुआत में। किस विषय पर हमने 6 हफ्ते शिक्षा पाई, कोई बोलेगा किस विषय पर? हाँ, कलीसिया में हमारे आपसी संबंध और हमारी जिम्मेदारियां। आज हम एक नए विषय पर शिक्षा पाना शुरू कर रहे हैं और वो ये विषय है, ये सिर्फ 2 हफ्ते चलेगा, आज और अगले संडे तो सत्संग में प्रवचन नहीं होगा, लेकिन उसके अगले संडे हम इसे ख़त्म करेंगे। आज हम भजन 90 को देखेंगे। बहुत रिच, बहुत अच्छा, बहुत यूनिक है ये जो साम है, ये जो भजन है, भजन 90 आपकी बाइबल में, ये बहुत यूनिक है, बहुत प्रेशियस है। मैं सोच रहा था कि जिन दिनों में मूसा जीवित था, मूसा बहुत साल पहले जब मूसा जीवित था, उन दिनों की एक घटना और उस घटना पे आधारित एक भजन जो लिखा गया आज हम पढ़ने वाले हैं। बाइबल में बहुत सारे भजन हैं, 150 भजन हैं, लेकिन मूसा द्वारा लिखा हुआ ये एक ही भजन है। ये बहुत यूनिक है, हमारे दिल के बहुत करीब होना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने लोगों को प्रभु की शक्ति से मिस्र की गुलामी से निकाला और उन्हें प्रॉमिस लैंड तक, कनान देश तक, इज़राइल देश तक लेके जाने का काम जिसने किया, वो व्यक्ति मूसा है। उसके अनुभव के पर आधारित एक भजन लिखा हुआ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारे विश्वास के, इनफैक्ट हमारी ब्यूटीफुल, हमारी जो इज़राइल देश की जो हिस्ट्री है उसको लेकर के बहुत, हमारे दिल के बहुत करीब होना चाहिए। हम हमारे प्राचीन परमेश्वर के बारे में आज सीखने वाले हैं। हालेलुया, सचमुच ये अद्भुत बात है कि हमारा परमेश्वर प्राचीन परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर की कोई उम्र नहीं है, हम सब की उम्र है, बहुत से बाबाओं की उम्र होती है, आई मीन सारे बाबाओं की उम्र होती है, सब महान लोगों की, देवी देवताओं की भी उम्र होती है, लेकिन परमेश्वर की कोई उम्र नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर एवरलास्टिंग, अनंत काल, आदि काल से अनंत काल तक, हमेशा से लेके हमेशा तक, सदा सदा तक वो राज करता है। ये बात बहुत खूबसूरत है। हमें शांति, आराम, हिम्मत कहाँ से मिलती है? ये सोच के मिलती है हमारा परमेश्वर बहुत महान है, वहीं से हमें हिम्मत मिलती है। हालेलुया। और आज मैं इस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं जो सामने लिखा हुआ है, एक ऐसी जिंदगी जो अच्छे से जी हुई हो, अ लाइफ वेल लिव्ड, अच्छे से जिया हुआ जीवन कैसे होता है। हमारी जिंदगी जो कि बहुत प्रेशियस है, बहुत अनमोल है, सिर्फ एक बार हमें जो जीवन जीने का मौका मिला है, सिर्फ एक बार, ओनली वन टाइम, एक बार हमें ये जीवन मिला है, और ये जीवन कितना लंबा होगा हमको वो भी नहीं मालूम। शायद हम सोचते हैं अभी तो हम 20-25 साल के हैं, अभी तो है टाइम मेरे पास, कुछ ना कुछ करने का मेरे पास टाइम है, इस प्रकार हम सोच सकते हैं। लेकिन हम में से किसी को नहीं पता कि हमारा जीवन भी कितना बड़ा है। पर यदि हमारा जीवन 80 साल का है तो भी, अगर हमारा जीवन 80 साल का है तो भी हमारा जीवन बहुत बहुत छोटा है, और एक ही बार हमको जीवन जीने का मौका मिलता है। और जो कल का दिन, आज क्या 5 तारीख है, 4 अगस्त 2018, कभी हमें वापस नहीं मिलेगी। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आएगा। इतना प्रेशियस, इतना अनमोल हमारा जीवन है। जीवन का जो गिफ्ट है वो अपने आप में सबसे बड़ा गिफ्ट है जो प्रभु ने सब लोगों को दिया है, सब धर्मों के लोगों को भी दिया है, हर किसी को दिया है ये जीवन का गिफ्ट। और इसलिए जीवन की, हमारी जो जिंदगी है, इसकी वैल्यू करना, इसकी अहमियत को समझना, ये कितना अनमोल है इसको समझना, ये बुद्धिमान लोग कर लेते हैं और अपने जीवन में कुछ कर जाते हैं और प्रभु के करीब आ जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो अपना जीवन खराब कर देते हैं। स्क्रीन पर मैं आपको 2 लोगों की तस्वीर दिखाऊंगा, और जो इस तरफ ये एक प्रचारक थे, एक ही समय पर ये 2 प्रचारकों ने प्रचार करना शुरू किया अमेरिका में, और बहुत अच्छा प्रचार, दुनिया भर में, मतलब दूर दूर जाके प्रचार करते थे, हजारों की संख्या में इनकी सभाओं में लोग प्रभु का वचन सुनने आते थे,
दोनों प्रचारक थे, लेकिन जो दुनिया, जो लोग थे सुनने वाले, जो जनता थी, जो बड़े बड़े लोग थे कलीसिया के, पता वो क्या बोलते थे? वो ये बोलते थे कि जो ये वाले पास्टर हैं, इनका नाम चार्ल्स है, जो चार्ल्स पास्टर हैं, ये बहुत 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 दूर तक जाएगा ये आदमी, और बहुत कुछ करेगा परमेश्वर के लिए, इसके अंदर ज़्यादा अच्छी प्रवचन देने की शक्ति है, ज़्यादा बाइबल आती है, ज़्यादा अच्छे से ये बोलता है, और इसके ऊपर पूरा भरोसा किया लोगों ने कि ये ज़्यादा कामयाब होगा परमेश्वर का वचन दुनिया भर में प्रचार करने के लिए। उन्हीं दिनों में बिली ग्राहम भी एक प्रभु के प्रचारक थे, जो भी ये भी वचन प्रचार करते थे, लेकिन अपने दोनों ने, अपने दोनों में से जो पास्टर चार्ल्स थे, ये वाले व्यक्ति, इन्होंने अपने प्रचार करने से के कुछ एक सालों के बाद प्रभु का रास्ता छोड़ दिया, यीशु मसीह को छोड़ दिया, प्रभु पर विश्वास ना करने वाले व्यक्ति बन गए, यहां तक कि प्रभु के खिलाफ किताबें लिखने वाले व्यक्ति बन गए, और एक किताब लिखी जिसका नाम था फेयरवेल टू गॉड, मतलब परमेश्वर को बाय बाय। ये कौन सा व्यक्ति था जो अपने जीवन में लोग कहते थे, करता भी था, लोग भी कहते थे, बहुत दुनिया भर का विश्व प्रसिद्ध प्रचारक बन जाएगा, चुनाव किया, अपना जीवन बर्बाद करने का चुनाव किया, प्रभु के रास्ते को छोड़ने का चुनाव किया, अपने जिंदगी के कितने साल, लगभग 50 साल खराब करने का चुनाव किया, जिंदगी के 50 साल, सोच के देखो 50 साल कितने होते हैं। DBF को 50 साल हो गए ना, 50 साल में कितना कुछ, कितनी सारी कलीसियाएं, कितने सारे लोग, लेकिन सोचो 50 साल एक व्यक्ति ने अपने जीवन के खराब कर दिए प्रभु से दूर जाके। लेकिन जो पास्टर बिली ग्राहम थे, अच्छा शुरू किया अपना जीवन, विश्वास का जीवन, सेवा का जीवन, अच्छा जिया, अंतिम 90 कुछ साल के, मतलब लंबी उम्र में होके मरे हैं, मरते दम तक प्रभु यीशु के नाम को उठाया। हालेलुया। आपने देखा किस प्रकार जीवन का आपने तुलना देख ली, दोनों प्रचारक, दोनों के दोनों, यानी कि एक को तो ज्यादा चांस मिला था, एक को लोग ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन वो खुद प्रभु का रास्ता छोड़ के चला गया, जिंदगी को बर्बाद कर दिया, दूसरा परमेश्वर की महिमा के लिए अंतिम सांस तक उसने प्रभु के नाम के लिए खड़ा रहा। जब मैं विश्वास में 1 साल का था, 2008 की बात है, 2008 के अंत की बात है ये, हम पास्टर अरविंद के घर पे, हम 5-6, उस टाइम पास्टर अरविंद की भी शादी नहीं हुई थी, और हम सब मिल के एक ही घर में, हम लोग सब लड़के रहते थे, 4-5 लड़के, और मेरे साथ में 2 लड़के ऐसे थे, हम कुल मिला के 5 थे, पास्टर अरविंद, मैं, एक लड़का और था, और 2 और थे, जो 2 लड़के और थे, आज की डेट में दोनों प्रभु से दूर हैं, शायद 5 साल हो गए, चर्च कभी नहीं आए, प्रभु को छोड़ दिया, उनके बारे में जो सुनने को मिलता है वो दिल को अच्छा नहीं लगता सुन के, इनफैक्ट उन दोनों का बपतिस्मा मुझसे पहले हुआ था। अभी हमने इनके बारे में तो नेगेटिव बोल लिया, मैं अपनी, आपकी और मेरी बात करना चाहता हूं, आप और मैं भी अपना जीवन नष्ट कर सकते हैं अपने गलत चुनाव के द्वारा, अपने आने वाले जिंदगी के सारे साल हम खराब कर सकते हैं एक गलत चुनाव करके, अपने जीवन को फल रहित, परमेश्वर ने कहा तुम जाओ और फल लाओ, बहुत सारे फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, और आप और मैं अपने चुनाव से, अपने हाथों से अपना जीवन खराब कर सकते हैं, अपने गलत फैसला लेके अपनी जिंदगी को खराब कर सकते हैं, जो बहुमूल्य जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है। जिंदगी बहुत, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, जिंदगी बहुत प्रेशियस है, बहुत मूल्यवान, बहुत मूल्य है इस जिंदगी का, अनमोल है ये जीवन जो हमें प्रभु ने दिया है, लेकिन हम बहुत समय बर्बाद करते हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों को, लाखों लोगों को, लगभग 16 से 20 लाख लोग परमेश्वर ने गुलामी से निकाला, मिस्र से निकाला, और परमेश्वर ने उनके लिए ऐसा जगह तैयार किया, लिखा है, जहां पर दूध और शहद बहता था, और कहा कि तुम लोग वहां पहुंचो, वहां पे तुम मेरे लोग होगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें भेजूंगा वहां पर, और परमेश्वर ने 450 साल की गुलामी से परमेश्वर ने अपने लोगों को निकाला, चमत्कारी ढंग से निकाला, समुद्र को आर पार कर दिया, लोगों के लिए रास्ता निकाला, पत्थरों से पानी निकाला, स्वर्ग से मन्ना खिलाया, चमत्कार दिखाए परमेश्वर ने, लिखा उनके कपड़े नहीं फटे 40 साल तक,
लेकिन लोग हठीले थे, जो 11 दिन का सफर था 40 साल में पूरा किया। 11 दिन का सफर कितने समय में? इतना 11 दिन का सफर 40 साल में पूरा किया, सोचो कितना समय बर्बाद किया। और ये नहीं कि और ऐसा नहीं है कि 40 साल के बाद वो लोग पहुंच गए उस नगर में जो प्रभु ने बनाया था, उस देश में नहीं पहुंचे। दो या तीन लोगों के अलावा कोई और नहीं, सब के सब मर गए वहीं पे। कितना जीवन खराब हुआ है, कितना अपने जीवन के कितने जो साल हैं उन्होंने खराब किए हैं। और मूसा उस अनुभव पे आधारित ये भजन लिखता है। मूसा याद कर रहा है कि परमेश्वर ने हमें मिस्र देश से निकाला, उसने हमें इतने लंबे सफर में प्रभु ने हमें संभाला, चमत्कार किए प्रभु ने। लेकिन परमेश्वर के बारे में जो सोचता है वो इस भजन में लिखता है। वो 40 साल बहुत बहुत लंबे थे, बहुत कठिन बातों का उनको सामना करना पड़ा। लेकिन मूसा ने देखा कि ये जो लोग हैं ये सब परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर से दूर हैं। और ये सब कुछ जब वो नोट कर रहा है, मैं ऐसा चित्र बना अपने मन में जैसे वो दूर खड़ा है, इन लोगों के 40 साल के जीवन को वो देख रहा है और परमेश्वर को देख रहा है, और फिर वो परमेश्वर के बारे में और लोगों के बारे में लिख रहा है कुछ। और इस भजन में जो हम आज देखने वाले हैं, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, दो भाग हैं इसके। पहला भाग 1 से लेके 11 तक परमेश्वर और हमारे विषय में कुछ शिक्षा है जो हमको जाननी है। सारे बोले, परमेश्वर के बारे में और हमारे बारे में कुछ सत्य हैं वो हम देखते हैं। और 12 से लेके 17 तक ये जो सत्य है परमेश्वर के बारे में और हमारे बारे में, इसका हमारे जीवन में क्या असर होना चाहिए, क्या लाभ होना चाहिए, कैसे मैं इन सत्यों को अपने जीवन में लागू करूं, मेरा जीवन कैसे बदलना चाहिए, 1 से लेकर 11 पदों के आधार पर जो सत्य है, जो शिक्षा है, उसको हम देखते हैं। आज मैं आपको सिर्फ 1 से लेकर 11 तक बताऊंगा जो हम सीखते हैं। परमेश्वर के विषय में मूसा लिखता है यहां पर, जो पहली बात आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार का जीवन होता है, जो वो जीवन जो अच्छे से जिया हुआ होता है। व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ इज अ लाइफ वेल लिव्ड। किस तरह के जीवन को एक अच्छी तरह से जी हुई जिंदगी कहा जाएगा, किस तरह का जीवन होगा वो ऐसा जीवन होगा जो जीवन, जो व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में परमेश्वर की महानता को पहचानता हो। सामने लिखा हुआ है, एक अच्छी तरह से जी हुई जिंदगी, बोले, परमेश्वर की महानता को मानती है। आपको लगा होगा अच्छा जीवन तो वो होता है जहां अपना घर हो, जहां मेरे ऊपर कोई कर्जा ना हो, जहां मेरे बच्चे हमेशा क्लास में फर्स्ट आए, जहां पर मेरे घर में हर तरह की सुख सुविधाओं की चीजें हो, जहां पर अगर लाइट चली जाए तो कम से कम इन्वर्टर तो होना चाहिए, गर्मियों में कम से कम एक कूलर तो लग जाए, और मेरी जॉब थोड़ी सी और अच्छी हो जाए, और मेरी बेटी को बहुत अच्छा घर मिलना चाहिए, मेरी बेटी को अच्छा ससुराल मिल जाए, मेरे बेटे को अच्छी बहू मिल जाए। दुनिया तो यही परिभाषा देती है ना अच्छे जीवन की, बाइबल ये परिभाषा नहीं देती। परमेश्वर ये सारी चीजें जिनकी आप कामना करते हो, जो मैंने आपको अभी कही, हमारा अपना घर हो जाए, हमारे पास सब चीजें हो, हमारे घर में इन्वर्टर हो, हमारे घर में कूलर हो, हमारी बेटी को अच्छा घर मिल जाए, हमारे बेटे को अच्छी बहू मिल जाए, सुनो ध्यान से, ये सारी चीजें देने वाला सिर्फ हमारा परमेश्वर है। लेकिन उन चीजों से अच्छी जिंदगी की परिभाषा नहीं निकाल सकते हम। इन चीजों से अच्छा जीवन, इनमें से कोई भी चीज परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पास नहीं थी, इनमें से कोई चीज प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं थी। और जब यीशु 30 साल का था, पता उसके पिता ने क्या बोला स्वर्ग से, जब यीशु ने बपतिस्मा लेके बाहर निकला स्वर्ग से, क्या वजह, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। प्रभु उसके जीवन से, प्रभु परमेश्वर को यीशु के जीवन में कोई कमी नहीं दिख रही थी, कोई महल अपना घर नहीं था उसके पास। यीशु ने कहा, मेरे पास सर रखने तक की जगह नहीं है। सो आपकी दुनियावी चीजें इकट्ठे करने को हम समझते हैं मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे बैंक में कम से कम 50,000 रुपए रखे हैं इमरजेंसी फंड, अगर कुछ हो जाए तो मेरे पास इमरजेंसी के लिए, चलो रात बेरात कुछ हो जाए तो मेरे पास कुछ है तो सही। दुनिया अच्छे जीवन की परिभाषा इस प्रकार देती है, लेकिन पवित्र बाइबल जो आप पढ़ रहे हैं वो अच्छे जीवन को इस प्रकार देखता है। हालेलुया।
एक अच्छी तरह से जी हुई जिंदगी परमेश्वर की महानता को पहचानती है। यहां लिखा है कि जो परमेश्वर की महानता, ग्रेट, आपने ये शब्द कितने लोगों को ये शब्द सुना है, ग्रेट, बहुत अच्छा, ग्रेट, कितने लोग बोलते हैं ग्रेट। देखो परमेश्वर ग्रेट है, परमेश्वर महान है। आजकल क्या होता है कि हम लोग हर छोटी बात के लिए ग्रेट बोल देते हैं। अगर हम आपस में बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, तो जैसे कि तू चर्च आएगा, किसी ने, जैसे एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मैसेज किया, क्या तू चर्च में आएगा, उसने क्या जवाब दिया, हां मैं चर्च में आऊंगा, इधर से वो क्या जवाब देगा, ग्रेट। ये कोई ग्रेट बात है? मतलब हम क्या है, हम हर छोटी चीज को आजकल ग्रेट कहने लग गए हैं, तो हम सही स्थान पर जो ये शब्द इस्तेमाल होना चाहिए हम लगाना भूल गए हैं। सिर्फ परमेश्वर ग्रेट है और कुछ भी ग्रेट नहीं है। हालेलुया, सिर्फ परमेश्वर ग्रेट है, सिर्फ वो महान है। बाकी और कोई चीजें अगर हमारा मन को मोह लेती हैं बहुत ज्यादा परमेश्वर से बढ़ के, तो वो आपके लिए खतरनाक चीज है। अगर कोई भी चीज को आप परमेश्वर से ज्यादा पसंद करते हो, चाहे वो आपके बच्चे ही क्यों ना हो, तो वो आपकी आत्मा के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा मुझसे सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करो। हे परमेश्वर, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारा निवास स्थान बना है। देखो ये जो लोग हैं, अभी सब लोग अपने मन में तस्वीर बनाए, 16 से 20 लाख लोग एक देश में, पराए देश में गुलाम हैं, और ये लोग 450 साल तक गुलाम रहे, और अब इनको परमेश्वर वहां से छुड़ा के एक नए देश में लेके जा रहा है, जो देश उनका अपना कहलाएगा। हालेलुया। मूसा, उनके इतने 40 साल के सफर को मूसा देख रहा है। ये मेरा मानना है कि उसके इस 40 साल के सफर के अंत के आसपास की बात है जब मूसा इन बातों के आधार पर लिखता है। मूसा क्या कहता है, हे परमेश्वर, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारा निवास स्थान रहा है। सोचो, अगर आप सड़क में जा रहे हो, अगर आपको उसी सड़क में 40 साल तक सफर करना पड़े किस कहीं जाने के लिए, कितने सालों तक, क्या आपका घर होगा? अगर आपका सफर 40 साल का है, क्या आपका घर होगा? बोलो, नहीं होगा घर ना। मूसा समझता है, मूसा को याद आ रहा है, हम 40 साल तक यहां पे सफर कर रहे हैं, 40 साल तक इतना लंबा हमारा सफर, बीच बीच में तंबू बना बना के लोग रहते हैं। तंबू और मकान में फर्क होता है। मूसा को याद आ रहा है हमारा परमेश्वर ही हमारा निवास स्थान है, लेकिन वो बोलता है पीढ़ियों से पीढ़ियों तक। मतलब वो जिस पीढ़ी में मूसा जी रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, मूसा को याद आ रहा है हमारा जो एंसिस्टर था, जो हमारा जो सबसे बड़ा पूर्वज है, वो कौन है? अब्राहम। इतने साल पहले हमारे परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, वो एक ही था, उसकी उम्र 100 साल हुई तब जाके उसको एक बेटा मिला। आज मूसा को याद आ रहा है, मेरा जो पूर्वज था वो इज़राइल का सबसे बड़ा पूर्वज है अब्राहम। उस अब्राहम से लेके आज 500 साल तक के बाद भी हर पीढ़ी में परमेश्वर ने ही हमें संभाला है। ये वो कह रहा है, हे परमेश्वर, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारा निवास स्थान रहा है। उसको पता है कि उसके पीढ़ियों को संभालने वाला कोई सीमेंट और ईंट से बनी हुई कोई छत नहीं है जिसने पीढ़ियों पीढ़ी को संभाला है। पीढ़ियों से पीढ़ियों तक संभालने वाले जो छत है वो परमेश्वर का हाथ है। अगर आप चिंता करते हो आपके आने वाले पीढ़ियों के बारे में, ये मत सोचो कि आपके बच्चों के लिए आप मकान छोड़ जाओगे तो आपके बच्चे तब आप कामयाब हो सकता है। परमेश्वर की मर्जी में नहीं है आपके लिए कि आप इस जीवन काल में अपने लिए मकान बनाओ, तो क्या आप अपने आने वाली पीढ़ी को बेघर छोड़ के जाएंगे? आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए, आपके जो बच्चे हैं, जो बच्चों के बच्चे हैं, जो असली निवास स्थान, जो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके बच्चे उस निवास स्थान के नीचे आ जाएं, वो है हमारे परमेश्वर का हाथ। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मेरी पीढ़ियां परमेश्वर के नीचे है कि नहीं है। आप अपने बच्चों के नाम पे 2-4 कमरे छोड़ जाएंगे, आप सोचते हैं कि आपके बच्चों को वहां से सुरक्षा मिलेगी? नहीं मिलेगी, सुरक्षा परमेश्वर से आती है। और मूसा, मैं सोचता हूं कितनी खूबसूरत बात है, मूसा को इतने पुरानी बातें याद आ रही हैं कि पीढ़ियों से पीढ़ियों तक परमेश्वर ही हमारा
निवास स्थान रहा है, क्योंकि उसके पास अनुभव है, मूसा के पास अनुभव है, उसके पास अच्छा भला अनुभव है। जब वो 40 वर्ष का था, उसका अच्छा खासा, उसने जब वो चला गया, उसने शादी कर ली, उसने अपना घर बसा लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे वहां से निकाला और अब वो इतने लंबे सफर में है। उसको उसको इस बात का अनुभव है मूसा को कि हमारे पास कोई घर नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर को अपना निवास स्थान मानता है। हालेलुया, यह है परमेश्वर की महानता कि आपकी पीढ़ियां उसके आगे की पीढ़ी, उसके आगे की पीढ़ी वो परमेश्वर की आशीष पा सकती है। परमेश्वर इतने पुराने समय से, परमेश्वर शुरुआत होने से पहले से हमारा परमेश्वर राज करता है। यह है परमेश्वर की महानता जिसका यहां पे बखान किया हुआ है। हे परमेश्वर, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारा निवास स्थान बना है। दूसरी महानता है, वो दूसरे पद में लिखी है, पढ़ें दूसरा पद सारे। इससे पहले कि तूने पहाड़ बनाए या तूने दुनिया में कुछ भी बनाया, अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। उसको याद आ रहा है, वो इस बात को याद कर रहा है, यू नो, क्योंकि रास्ते में वो जा रहे हैं, उनको बहुत सारे पहाड़ दिख रहे हैं मूसा को और लोगों को, और वो उनको देख के बोलता है कि ये जो पहाड़ हम देखते हैं ना परमेश्वर, इससे पहले कि ये पहाड़ अपने स्थान पे आए, तू अनादि काल से अनंत काल तक राज करता है। मूसा को, मूसा का पर्सपेक्टिव जो है, मूसा का जो दृष्टिकोण है, वो अनंत काल के दृष्टिकोण से सब चीजों को देखता है। वो ये भी देखता है कि परमेश्वर सब कुछ रचने वाला है। इंटरेस्टिंग बात है, जब एक्चुअली यही वचन हैदराबाद में जब मैं गया था, वहां मैंने प्रचार किया था, और वहां मैंने उन लोगों से ये कह रहा था कि इंसान पहाड़ बना नहीं सकता, इंसान पहाड़ों को केवल क्या बोलते कटिंग कर करके तोड़ तोड़ के नगर बना सकता है, पहाड़ इंसान नहीं बना सकता। बड़ी अजीब सी बात है कि जब मीटिंग खत्म हुई तो कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको पता है, हैदराबाद जो शहर है वो पहाड़ों को काट काट के ही बनाया है। इंसान पहाड़ नहीं बना सकता, इंसान क्या चीज बना सकता है? और अगर कोई चीज बना भी सकता है इंसान, तो वो परमेश्वर की महानता के सामने बहुत छोटी चीजें होती हैं। और जो जो चीजें इंसान बनाता भी है, उसको करने की क्षमता और बुद्धि देने वाला कौन है? परमेश्वर है। असली रचयिता सब चीजों का कौन है? केवल परमेश्वर है। अगर आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हो जो जीवन आपके जीने के बाद लोग कहें, आपके बच्चे कहें, आपके बच्चों के बच्चे कहें कि हमारे पिता का या हमारे दादा का या हमारी दादी का जीवन ऐसा था, तो वो ये बोलने पाए, हमारे पिता, हमारे दादा, हमारी दादी परमेश्वर, महान परमेश्वर को मानने वाले थे, ये कहने पाए। परमेश्वर को जान लेना ही जीवन है सच्चे, क्योंकि एक ही परमात्मा है। कहलाने वाले बहुत हैं लेकिन परमेश्वर एक ही है, और उस परमेश्वर को समझ लेना, उस परमेश्वर के अधीन आ जाना, यही जीवन, यही है कामयाब जीवन की परिभाषा। परमेश्वर के साथ संबंध, सच्चा परमात्मा जो एक ही है, जो आसमान में रहता है, जो पवित्र है, जो सिद्ध है, जो अनंत है, जो प्रेमी है, उस परमेश्वर को जानना ही हमारे जीवन की कामयाबी है। वो ये कहता है कि तू पीढ़ियों से पीढ़ियों तक तू ही हमारा निवास स्थान है। वो ये कहता है कि तू ही सब कुछ रचने वाला है। वो यही कहता है कि तू एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग, मतलब तू सदा सदा से था और तू सदा सदा तक रहेगा। आप में से कोई है जो अपने, हम सब लोग अपने पिता का नाम जानते हैं, राइट? हम में से कितने लोग हैं जो अपने दादा का नाम जानते हैं? हाथ उठा सकते हैं। ओके, हम में से कितने हैं जो अपने दादा के पिता, मतलब परदादा का नाम जानते हैं? मैं जानता हूं, भाग सिंह गिल मेरे परदादा का नाम। और कोई है जो अपने परदादा के दादा का नाम जानता है? कोई तो होगा। आप प्यार नहीं करते अपने पूर्वज? कैसे लोग हो आप? अपने परदादा के परदादा के परदादा का नाम बता दो जरा देवराज। हम बता सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रतीक है, हमारा जीवन ज्यादा से ज्यादा हमारा नाम इतना ही है। हम कितनी कोशिश करते हैं लोग हमको जाने पहचाने, लोग हमारी बातें करें हमारे बारे। आज सुबह का चर्च खत्म होने के बाद हम किसी की बात कर रहे, कुछ अच्छा ही बात कर रहे थे, उस भाई ने सुन लिया और उसने मेरे को 3 घंटे बाद दोबारा पूछा, आप मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? क्योंकि बहुत चिंता है कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल रहे थे।
लेकिन ये बहुत अच्छा साइन है जो मैंने आपको बताया, इंसान का जीवन इतना ही है। ऑफकोर्स आपके बच्चे आपको प्यार करते हैं, आपको याद करेंगे, लेकिन जब आप 90 साल के हो जाओगे तो शायद आपके बच्चे आपको दिन में सिर्फ 2 या 3 बार बोलेंगे, खाना खा लिया, चाय पी ली, और ज़्यादा बात करना मुश्किल है ना, क्योंकि हम सब इतने व्यस्त हैं, मिलते ही। मेरे घर में मेरी दादी रहती है, वो 90 साल की है, लेकिन मेरी पत्नी काम करती है, मैं दिन भर बाहर रहता हूँ, मेरी दादी से बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। मेरा कज़न यहाँ पे, मेरे ताया जी का बेटा आया हुआ है, दादी से मिलने आया है, क्या रोज़ आ सकता है वो? एक साल के बाद वो आज 6 महीने के बाद वो आया है दादी से मिलने के लिए, क्योंकि हम जब बहुत बुजुर्ग हो जाएंगे ना, संसारिक रीति से हमारी वैल्यू कम हो जाने वाली है। हमारे जीते जी हम समझ जाएंगे, अच्छा ये था मेरा जीवन। और फिर आपके बच्चों के बच्चे, आपके बच्चों के जो बच्चे होंगे वो भी आपको प्यार कर, मेरे दादा मेरी दादी बस, लेकिन उसके उस पार कोई नहीं है, हमारा नाम नहीं है, हमारी शान नहीं है, हम कुछ नहीं है। बुद्धि इसी में है, ये जान लेना मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, मैं अपने आप को बहुत कुछ समझता हूं, लेकिन अनंत काल की जो रेखा है उसके ऊपर मेरा जीवन बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है प्रेजेंस मेरा, मैं कुछ नहीं हूं। इंसान अपने आप को कुछ ना समझे, ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी की बात है। प्रभु यीशु बुद्धिमान था, लिखा हुआ है, उस परमेश्वर होते हुए भी, वो तो परमेश्वर था लेकिन उसकी बुद्धि देखो कितनी अपरंपार। लिखा है परमेश्वर होते हुए भी उसने उस बात को अपने वश में रखने की बात नहीं समझा, परंतु उसने आसमानी पूरी शानो शौकत त्याग दी और उसने क्या कर दिया, मनुष्य का रूप धारण कर लिया। लेकिन मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वो राजा महाराजा नहीं बना, हालांकि वो था राजा, आज भी राजा है, हमेशा तक राजा रहेगा, लेकिन उसने एक दास का रूप, एक सेवक का रूप धारण कर लिया और आपकी और मेरी सेवा की। और वो एक नौकर के समान, एक गुलाम के समान प्रभु यीशु मसीह ने पूरे संसार की सेवा की है, सेवा करवाई नहीं है, की है सेवा। अपने सृष्टिकर्ता ने अपने चेलों के पैरों को धोया है और क्रूस पे अपना खून बहा दिया है। बुद्धिमानी इसी में है, हम अपने आप को किसी बात की डींग ना मारे, हम ये हैं और या हम वो हैं। नम्रता के अभी आगे आएगा, नम्रता, नम्रता आपकी बुद्धि का एक बहुत बड़ा चिन्ह है कि आप बुद्धिमान हैं तो आप नम्र दिखेंगे। आप बुद्धिमान हैं, आप बड़े बड़े भाषण दे सकते हैं, नहीं, भाषणों से बुद्धि का पता नहीं चलता है, चरित्र की नम्रता से बुद्धि का पता चलता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हो, परमेश्वर की महानता को पहचान लो और अपना जीवन परमेश्वर के सामने झुका दो और अपनी शक्ति पर और अपनी बुद्धि पर अपना जीवन जीना बंद कर दो। क्योंकि परमेश्वर बहुत बार, और मैंने अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा है, परमेश्वर लोगों को, जो लोग जल्दी नहीं सीखना चाहते, उनके जीवन के अनुभवों के द्वारा परमेश्वर उनको नम्र कर देता है और फिर उनको जाके समझ में आता है। लेकिन 3 साल 4 साल 5 साल कभी कभी ज़्यादा लोग साल वेस्ट कर देते हैं। बुद्धिमानी इसी में है, हम नम्र हो जाएं परमेश्वर के सामने और सारी महिमा उसी को दें। परमेश्वर ही सब कुछ है, अगर आपके जीवन में परमेश्वर है आप गरीब नहीं हैं। परमेश्वर बहुत महान है, बहुत महान है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपका जीवन ऐसा जीवन है जिसमें परमेश्वर की महानता के लिए जुनून नजर आता हो? डज योर लाइफ रिफ्लेक्ट अ पैशन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड? परमेश्वर महान है, परमेश्वर की महिमा हो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के द्वारा, मेरे जीवन के, मेरे हाव भाव के द्वारा, मेरे सारे जिंदगी के फैसलों के द्वारा, मैं किस प्रकार जहां बाहर आता जाता हूं, बातचीत करता हूं बाहर की दुनिया से, हर समय जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की महिमा झलके, क्या इस चीज के लिए आप जुनून रखते हो? जो हमने सीखा था 3 हफ्ते पहले कि एक ऐसे चर्च के लिए प्रार्थना करनी है जो परमेश्वर के लिए उत्साहित हो, जो परमेश्वर के लिए जोश रखता हो, जो परमेश्वर के लिए क्रेजी हो, क्या आप हो इस प्रकार प्रभु के लिए? इस सवाल का जवाब अपने मन में जरूर देते रहें लगातार। हाउ मच एम आई ऑल अबाउट द ग्लोरी ऑफ गॉड? मेरा जीवन, मेरे जीवन का कितना हिस्सा प्रभु की महिमा के लिए समर्पित है? क्या आप प्रभु की, क्या आपको अच्छा लगता है जब लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं? क्या आपको अच्छा लगता है जब कोई आपकी तारीफ करता है और आप तुरंत
सारी महिमा अपने आप से हटा के प्रभु को देना चाहते हो? लोग आपके आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन आपकी चिंता यह है ये लोग मुझे ना देखें, प्रभु को देखें। मैं हिंदी में नहीं लिख पाया, लेकिन पास्टर जॉन पाइपर एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि द वेस्टेड लाइफ इज द लाइफ विदाउट अ पैशन फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड इन ऑल थिंग्स फॉर द जॉय ऑफ ऑल पीपल्स। मतलब एक ऐसा जीवन जो बर्बाद हो जाता है, वो जीवन कैसा होता है? बर्बाद जो जीवन होता है वो ऐसा होता है जिसमें परमेश्वर की महानता के लिए आपके अंदर कोई जोश नहीं है। परमेश्वर की महानता, परमेश्वर जाना जाए, हमारे प्रभु का नाम हर गली गली में पहुंच जाए, हमारे प्रभु का नाम हर घर में पहुंच जाए, यह है एक बर्बाद किए जाने वाला जीवन जिसमें आप प्रभु की महिमा के लिए चिंता ही नहीं करते हो, आप प्रभु के लिए जीना नहीं चाहते हो। लिखा है वी वेस्ट आर लाइव्स व्हेन वी डू नॉट प्रे। ध्यान से सुने, हम अपना जीवन बर्बाद करते हैं, हम अपना जीवन, अपना साल, अपने जीवन को हम वेस्ट करते हैं जब हम प्रार्थना नहीं करते, सोचते नहीं, हम सपने नहीं देखते, हम प्लानिंग नहीं करते और हम मेहनत नहीं करते इस बात के लिए कि मेरे जीवन के सारे क्षेत्रों में परमेश्वर की महिमा नजर आए। प्लीज नोट, इस चीज के लिए आपको प्रार्थना करनी है। पास्टर कहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन से तेरी महिमा हो। गॉड क्रिएटेड, प्रभु ने हमें इसके लिए बनाया है कि हम अपना जीवन ऐसे जिए कि हमारे जीवन से प्रभु उस प्रकार दिखे जैसा कि वो सचमुच है। आप प्लीज एक बात बोल देंगे, आप बोले मेरा जीवन मेरा नहीं है, बोले मेरा जीवन मेरा नहीं है। एक्चुअली संसार क्या कर रहा है? संसार जो कि प्रभु से दूर है, शैतान जो हमें प्रभु से दूर करना चाहता है, हमें हमारे जीवन के सिंहासन पे हम खुद बैठ जाएं इस चीज में लगा हुआ है। मतलब शैतान संसारिक मौज मस्तियां हमसे दूर नहीं करता, शैतान जीवन की मौज मस्तियां हमें देता है ताकि हमको अच्छा लगे और हम अपना जीवन अपनी मर्जी से जिए। और यही वो जीवन है जो जीवन नष्ट होने वाला जीवन है। जिस जीवन में खुदा की महिमा नहीं होती, वो जीवन होता है जिसमें हम सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने सपने पूरे हो जाएं इसके बारे में सोचते हैं। दिस इज एग्जैक्टली अ फेल्ड लाइफ, अ फेलियर लाइफ। ऐसा जीवन जिसमें कोई वैल्यू नहीं है संसार परमेश्वर की नजरों में, परमेश्वर के दृष्टिकोण में, ये बर्बाद जीवन है जिसमें हमारे पास दुनिया की सब चीजें हैं लेकिन परमेश्वर नहीं है। और यह सबसे बड़ा दुख है किसी व्यक्ति के लिए जब वो खुदा से दूर होता है। इसी बात को उन्होंने एक और जगह पे लिखा, मुझे बहुत पसंद आया, मैंने इसलिए इसको यहां पे डाला। गॉड क्रिएटेड अस टू लिव विद अ सिंगल पैशन, एक पैशन, एक जुनून। सारे जोर से बोले एक जुनून, बोले एक जुनून। वो कहते हैं परमेश्वर ने हमें इस चीज के लिए चुना है कि हमारे अंदर एक जुनून हो कि हम खुशी के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर की सिद्धता को अपने जीवन के सारे क्षेत्रों में दिखाएं। और अगर हमारी जिंदगी में यह जुनून नहीं है, हमारा जीवन बर्बाद है। आपका जीवन आपका नहीं है, आपका जीवन परमेश्वर ने आपको आपके लिए सब कुछ इकट्ठा करें बटोरने के लिए जीवन नहीं दिया है। परमेश्वर ने आपको अपना, आपका जीवन, आपकी जिंदगी परमेश्वर ने आपको इसलिए दी है ताकि आप अपने जीवन से, अपने जीवन के सारे क्षेत्रों में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। यही है वो जीवन जिसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जीवन सफल है, हमारा जीवन अच्छा है। दूसरी बात को देखें, a life well lived acknowledges the holiness of God। एक अच्छी तरह से जी हुई जिंदगी परमेश्वर की पवित्रता को मानती है। सब लोग जल्दी से अपनी बाइबल में खोलें, देखें 90:7। परमेश्वर मूसा यहां पर लिख रहा है 7 में, क्या लिखता है? प्रभु हम तेरे क्रोध से भस्म हो गए, हम तेरे कोप से घबरा गए हैं। परमेश्वर के क्रोध के बारे में हम यहां पे सुन, अब सब लोग सामने देखें, लिखा हुआ है परमेश्वर की क्या क्या पहचाननी है परमेश्वर की। अगर आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हो, हमें परमेश्वर की किस चीज को समझना है? सारे बोले क्या चीज है? पवित्रता। लेकिन यहां पे लिखा है पवित्रता, यहां पे हम पढ़ रहे हैं क्रोध के बारे में, ये तो मैच नहीं हुआ।
परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर गुस्सा भी करता है, वो क्रोध भी करता है। इस बात को समझें, ये कौन लिख रहा है, ये भजन कौन लिख रहा है? मूसा लिखता है। एक्चुअली मूसा लोगों के इतने सालों के पाप और हठीलेपन को देखता आ रहा है, और मूसा ने देखा है परमेश्वर अति पवित्र है और वो नॉनसेंस के साथ समझौता नहीं करता है। मूसा ने देखा है लोग किस प्रकार मर रहे हैं, अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, पाप कितना भयानक है। देखो परमेश्वर का जो क्रोध है वही परमेश्वर की पवित्रता को भी दिखाता है। क्योंकि उसे क्रोध क्यों आ रहा है? क्योंकि इंसान पवित्रता के रास्ते पर नहीं चल रहा है, और इसलिए क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता को हमने भंग किया है अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्मों से, अपने सोच विचार से, हम किस प्रकार बात करते हैं, किस प्रकार दूसरों से व्यवहार करते हैं, अकेले में हम किस प्रकार व्यवहार करते हैं। परमेश्वर इतना पवित्र है, हम इतने पापी हैं, इसीलिए हमारा जो पाप है वो परमेश्वर के क्रोध को उत्पन्न करता है। उसका जो क्रोध है वो भी उसकी पवित्रता का एक 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 एक, एक, एक रूप है। परमेश्वर का जो क्रोध है वो सिद्ध क्रोध है, क्योंकि अगर परमेश्वर पाप को देख के क्रोधित नहीं होगा, इसका मतलब परमेश्वर पाप को ग्रह, प्रभु के लिए पाप चलता है, लेकिन प्रभु के लिए पाप चलता है ऐसा नहीं है। प्रभु क्योंकि वो सिद्ध है, अति पवित्र, अति शुद्ध है, इसलिए पाप बहुत भयंकर चीज है। हम वो गीत गाते ना, तेरा गरजना भयंकर है। वही परमेश्वर जो खूबसूरत है, जो सुंदर है, जो महान है, जो सृष्टि करता है, वही परमेश्वर गरजता भी है, उसे क्रोध भी आता है। क्यों? क्योंकि वो अति पवित्र है और पाप के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकता। मेरी आशा है कि आप सब लोगों ने सोचा होगा जब मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो वाचा का संदूक था जो मंदिर में रखते थे, उसके अंदर जो चीजें थीं, वो जो तीन चीजें उसके अंदर रखी हुई थी, वो मनुष्य के पाप का प्रतीक था। और जो फरिश्ते जिसका रूप वहां पे बनाया हुआ था, वो वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आती थी साल में एक बार, जब महायाजक खून लेकर, जानवर के बलिदान को लेकर, खून को लेकर, जब वो पवित्र अति पवित्र स्थान में आता था, डरते कांपते। पता है वो क्यों डरता कांपता था? वो इसलिए डरता था क्योंकि एक ये संभव था कि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में जाए, परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में जहां कोई नहीं जा सकता, सिर्फ साल में एक बार महायाजक, याजक भी नहीं, महायाजक वहां जा, सिर्फ वही जा सकता था। ऐसा संभव था कि अगर इस महायाजक में कोई अशुद्धता हो तो ये जीवित बाहर नहीं आएगा, इसलिए उसके घुटने से एक रस्सी डाल करके उसको अंदर भेजते थे, क्योंकि अगर वो परमेश्वर की पवित्रता के सामने अगर टिक ना पाए वो वहीं पे मर जाएगा, और उसको रस्सी से खींच लिया जाता था। इतनी भयंकर है हमारे परमेश्वर की उपस्थिति। जब हम सत्संग यहां पे करते हैं वो उपस्थिति यहां पे होती है, और कितनी बार हम प्रभु की उपस्थिति को कितने हल्के में लेते हैं। हम 40 बार अंदर या बाहर जाते हैं इस कमरे के, हम 25 बार अपना फोन चेक कर लेते हैं, हम 12 बार अपने दोस्तों की तरफ देख के हंसने लगते हैं, और शायद हर पल, हर 2 मिनट के बाद हमारे मन में ख्याल आता है, चर्च कब खत्म होगा, घर कब जाएंगे, कल मुझे जल्दी उठना है। और ये वो परमेश्वर है जिसकी उपस्थिति में महायाजक मर भी सकता था, और जहां पे वो जाता था वहां पर दया आसन होता था, दया का आसन। ये शब्द बहुत भारी है, दया का आसन, और वहां पर दया आसन के नीचे क्या है, वो जो तीन चीजें हैं जो वाचा के संदूक में रखी हैं, वो मनुष्य जाति के पाप का, लोगों के पाप का प्रतीक हैं। और हर जब प्रभु की वहां पे उपस्थिति होती है वो पाप वह नजर आता है, परमेश्वर को वो दुनिया का पाप नजर आता है। लेकिन जब महायाजक अंदर आता है, महायाजक उस दया के आसन पर खून उंडेल देता है, जानवर का खून उंडेल देता है, और वो जो गाढ़ा खून है जानवर का, उससे अब परमेश्वर को क्या नजर आ रहा है? पाप नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? खून नजर आ रहा है। और वो जो खून क्या है, पापों को ढांप देता था, और लोगों के पाप एक साल के लिए क्षमा हो जाते थे। 2018 साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ,
फर्क इतना था कि उस जमाने में, जिस जमाने की हम पुराने नियम के जमाने में, महायाजक साल में एक बार ये काम करता था, लेकिन 2018 साल पहले परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं जो मनुष्य बन के आया, वही हमारा महायाजक बन गया और वही वो बलिदान बन गया, वही वो खून बन गया जिसने परमेश्वर के सामने मानव जाति के पापों के लिए अपने खून को एक बार हमेशा के लिए चढ़ा दिया, ताकि जब परमेश्वर, हम बात कर रहे हैं ये संसारिक तंबू जो था, हाथों से बनाया हुआ तंबू, लेकिन एक आत्मिक तंबू भी है जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति लगती है, जहां पे परमेश्वर का डेरा जमता है, जहां पर परमेश्वर का, जहां पे दया का आसन है स्वर्ग में, वाकई में एक ऐसी जगह है। और आत्मिक दृष्टि से 2018 साल पहले जब यीशु क्रूस पे मरा था, आत्मिक रूप से क्या हो रहा था? स्वर्ग में जो दया का आसन है, और स्वर्ग में जब परमेश्वर बैठता है और नीचे देखता है संसार के, दुनिया के पापों को वो देख रहा है, तो जब यीशु क्रूस पे मरा क्या हुआ था? यीशु मसीह ने अपना लहू, महायाजक किसका लहू लेके आता था? किसका? जानवर का लहू लेके आता था। यीशु हमारा महायाजक है, हालेलुया। लेकिन महायाजक, यीशु महायाजक किसका लहू लेके आया पिता के सामने? अपना खुद का लहू लेके गया, और उसने महान परमेश्वर के उपस्थिति में दुनिया भर के पापों के लिए अपने लहू को दे दिया। और अब जब परमेश्वर देखता है जितने लोग यीशु के लहू के नीचे छुपे हुए हैं, परमेश्वर उनके पापों को नहीं देखता, वो किसको देखता है? बेटे के लहू को देखता है। जिस माफी को आज हम इंजॉय कर रहे हैं, उस माफी के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया है, इकलौता पुत्र दिया है जो निष्पाप और पवित्र है। परमेश्वर ने अपने इस पवित्र बेटे को, आपके आत्मा को हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने का प्रावधान बनाने के लिए अपने पुत्र के बलिदान को दिया है। अगर इस चीज को हम समझ गए कि परमेश्वर इतना पवित्र है कि उसे अपना बेटा देना पड़ा, तो आप और मैं पाप करना छोड़ देंगे। और यही है परमेश्वर की पवित्रता को समझना। इसलिए परमेश्वर की पवित्रता का सीधा सीधा लिंक आपके जीवन से है। आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के सामने हमारे गुप्त पाप हमेशा होते हैं। देखो, पब्लिक में हम बहुत अच्छा बिहेव करना जानते हैं, क्यों? क्योंकि जनता, जब हमारे आसपास जब जनता होती है, जब लोग होते हैं, जनता को देख करके एक झूठी फेक मोटिवेशन हमको मिल जाती है, यार लोग देख रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे। ऐसा ही होता है, हम जब भरी सभा में हम अच्छा बिहेव करते हैं कि नहीं करते हैं? भरी सभा में हम कोई गंदा काम करेंगे? परमेश्वर उसकी परवाह ही नहीं करता। बाइबल में साफ साफ लिखा है वो किसको देखता है? दिल को देखता है, वो हमारे गुप्त के जीवन को देखता है। सो आप अपने जीवन में गुप्त रूप से आप कैसे हैं? जब कोई आपको नहीं देख रहा, तब आप कैसे हैं? अगर मैं आपको ये शिक्षा दे रहा हूं कि एक अच्छी तरह से जी हुई जिंदगी परमेश्वर की पवित्रता को मानती है, मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, ये इसका सीधा सीधा लिंक आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप सिर्फ प्रभु के सामने 24 घंटे माथा टेक के नहीं बैठे रहेंगे। और ये आराधना नहीं है कि हर वक्त माथा टेकना प्रभु के सामने और 24 घंटे जब तक मैं मर ना जाऊं यहीं पे बैठूंगा, ये जीवन नहीं है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है और उसने मेरे लिए अपने बेटे को बलिदान किया है, तो आप अपने जीवन के हर क्षण, हर पल परमेश्वर की महिमा के लिए जीना शुरू कर देंगे। और फिर पवित्रता आपके लिए एक परिश्रम नहीं होगा, वो आपके लिए आराधना होगा। आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं अपने शरीरों के द्वारा, अपने जीवन के हर पल, अपने दफ्तर में, सड़क में, दोस्तों मित्रों के साथ जब बातचीत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए एक जीविता बलिदान लेके जा रहे हैं। इसलिए अगर आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की पवित्रता का ध्यान रखना है कि परमेश्वर कितना पवित्र है। तो अगले हफ्ते हम इसको नहीं देख पाएंगे, लेकिन उसके अगले संडे में विनती करता हूँ आप सबसे जरूर आए चर्च में, ताकि मैं आपको बताऊंगा कि जो हम ये जो तीन चीज़ें जो हमने आज सीखी हैं, इसका मेरे जीवन के, मेरे माइंड पे, मतलब मैं जिस प्रकार सोचता हूँ, मेरे
इमोशंस पे, मेरी भावनाओं पे क्या असर पड़ता है, मेरे मन में क्या असर पड़ता है, मेरे ऑफिस में क्या असर पड़ता है और मेरे परिवार में क्या असर पड़ता है, यहां तक कि मेरे बच्चों के जीवन में क्या असर पड़ना चाहिए। ये आपके जीवन के 5 क्षेत्रों में सीधा सीधा ये वचन हमको सिखाता है। 90 जो हम भजन देख रहे हैं, 12 से लेकर 17 तक मैं आपको ये 5 चीजें बताऊंगा। अगले से अगले संडे जरूर आए, लेकिन आज हम खत्म करेंगे अभी तीसरी बात को देख करके कि एक अच्छी तरह से जी हुई जिंदगी नम्रता दिखाती है। हमने 3 चीजों को देखा, एक अच्छी तरह से जी हुई जिंदगी क्या देखेगी, किस चीज को मानेगी, परमेश्वर की महानता को, और दूसरा प्रभु की पवित्रता को, और तीसरा हमारे जीवन में क्या नजर आएगा, नम्रता नजर आएगी। सबसे पहले जो नम्रता है वो हम देखते हैं। सब लोग अपनी बाइबल, बस हम खत्म करने वाले हैं 2-4 मिनट में। लुक इन टू योर बाइबल्स, वर्स 2, दूसरा वचन देखें। यहां पर वो परमेश्वर की महानता के बारे में बताता है और ये बोलता है परमेश्वर की उम्र कितनी है, कितनी है उसकी उम्र, अनादिकाल से अनंत काल तक। नाउ नोटिस करें ध्यान से, 90:2 में वो परमेश्वर की उम्र के बारे में बताता है कि उसकी कोई उम्र है ही नहीं, वो तो अनादिकाल से अनंत काल तक राज करता है। अब जरा ध्यान से देखो 3 में क्या कहता है, 3 वचन में देखो क्या कहता है, परमेश्वर कब से कब तक राज करता है, अनादिकाल से अनंत काल तक। लेकिन मनुष्य के बारे में क्या लिखा हुआ है कि तू लोगों को धूल से वो बने थे और वापस धूल में मिला देता है। सीधा सीधा लिंक है, परमेश्वर की उम्र देखो और अपने आप को देखो, इंसान क्या है। और प्रभु हुक्म देता है, तुम, प्रभु ने उत्पत्ति में कह दिया था, बाइबल की शुरुआत में प्रभु ने कह दिया था, हे मनुष्य तू मिट्टी है और मिट्टी में वापस मिल जाएगा। और यहां पे हम वही देखते हैं, यू टर्न पीपल बैक टू डस्ट और तू कहता है रिटर्न टू डस्ट, वापस जाओ मिट्टी में, क्योंकि तुम लोग अमर नहीं हो। अगर तुम्हारा जीवन बहुत लंबा चल भी जाए, कोई नहीं है ऐसा जो 1000 साल जिए, कोई है ऐसा? अभी कुछ दिन न्यूज में आया था कि 120 साल का आदमी सबसे लंबा जीने वाला, अंत में वो भी चला गया। अगर किसी का जीवन 1000 साल का, पहली बात तो हो नहीं सकता, अगर हो भी जाए, अगर आपका जीवन 1000 साल का हो भी जाए तो भी आप बहुत कुछ जीत लिया आपने, नहीं। देखो वचन नंबर 4 में क्या लिखा है, देखो 4 में, 1000 साल भी उसके लिए कैसा है, एक दिन के बराबर है। और 5 में लिखो, 5 में पढ़ो, सॉरी, हाँ, बाढ़ के जैसे, जब बाढ़ आती है कुछ टिकता है, जब खतरनाक बाढ़ आ जाए, बोले सारे, अभी 4 साल पहले देहरादून के क्या उत्तराखंड में आई थी बाढ़, सब कुछ तबाह हुआ था, महापुरुषों की खूब बड़ी बड़ी 50-50 फीट की जो मूर्तियां थी पानी के एक बहाव में चली गई, बाढ़ के समान। आगे 5, हाँ, हमारा जीवन कैसा है, घास, सारे बोलो घास के समान, बोले सारे घास के समान, घास के समान है, जो कि सुबह सुबह बड़ी चमकती है, बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन शाम तक नष्ट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे याकूब अपनी पत्री में सिखाता है कि मनुष्य तेरा जीवन क्या है, तू तो भाप के समान है, थोड़े समय तक दिखता है, बाद में गायब हो जाता है। यहां से नम्रता आती है, ये देखकर मेरा जीवन कितना छोटा है और मैं परमेश्वर के सामने कुछ नहीं हूं और मेरा जीवन कुछ नहीं है, मैं बहुत कम समय के लिए इस धरती पर रहने के लिए आया हूं और मुझे प्रभु के लिए ही जीना है। 3 बातें आज हमने आपको सिखाई हैं, आगे और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, क्योंकि मेन जो मैं आपको 3 बातें सिखाना मांगता था वो 3 बातें यही हैं, एक अच्छी तरह से जी हुई जिंदगी, परमेश्वर की महानता। सब लोग पढ़ेंगे मिलकर हिंदी में, सब लोग जोर से पढ़ेंगे, 1, 2, 3, सब पढ़ें, जी हुई जिंदगी परमेश्वर की महानता को मानती है, दूसरा एक अच्छी तरह से जी हुई जिंदगी परमेश्वर की पवित्रता को मानती है, और सुनो ध्यान से, अगर मानती है तो फिर परमेश्वर की पवित्रता को बार बार भंग नहीं करेंगे, हम खिलवाड़ नहीं करेंगे, पाप करना बंद करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पवित्रता, ये पवित्रता इतनी है
कि अगर दोबारा हमें प्रभु के साथ जुड़ना है तो प्रभु को अपना पुत्र बलिदान करना पड़ा जिसने हमारे लिए अपनी जान दी है और जो मरने के 3 दिन के बाद दोबारा जीवित हो गया है। और तीसरी बात जो हमने देखी पढ़े, एक अच्छी तरह से जी हुई जिंदगी नम्रता दिखाती है।